वालेकुम क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलें देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। हाँ जी, आज हम स्टार्ट ले रहे हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड तक नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक ऐसे डेरिवेटिव से क्या मुराद है, जिनमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ओ एच है इफ रिप्लेस बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, तो वो क्या कहलाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का मतलब है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यानी सी डबल बॉन्ड ओ एच, ओ एच इज रिप्लेस इफ ओ एच इज रिप्लेस बाय क्लोरो ग्रुप, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड इज नोन एज एसिड क्लोराइड। ठीक है, जो है वो यानी ओ एच इफ रिप्लेस बाय क्लोरीन एटम दे आर नोन एज एसिड क्लोराइड। और उसके कॉमन सिस्टम में और IUPAC में नेमिंग कैसे करते हैं, जो कॉमन सिस्टम है उसमें जो नेम है वो ड्राइव वहीं से करते हैं जहाँ से एसिड के नेम से ही ड्राइव करते हैं। उसका एसिड का IC एक एसिड हटा के उसकी जगह पे रेस्पेक्टिव जो क्लोराइड होता है वो लगा देते हैं। ठीक है, जैसे ये है दिस इज, और जो IC है एक एसिड को हटा के क्या लगा दे, जो है वो YLE के एडिशन कर दे और साथ में क्लोराइड लगा दे। जैसे ये है एसिटिक एसिड से डराइव किया है यानी OH, अगर एसिटिक एसिड होता तो यहाँ पे OH होता, तो ये एसिटिक एसिड से ही इसका नाम डराइव करेंगे एसिटिक IC, यानी लास्ट जो नाम IC, IC को रिप्लेस करेंगे YL के साथ, तो ये बन जाएगा एसिटाइल एंड क्लोराइड कॉमन सिस्टम में। इसी तरह ये है CH3 CH2 C, ये प्रोपेन यानी 3 कार्बन्स हैं, तो ये क्या होगा, यानी प्रोपियोनिक एसिड से ड्राइव किया हुआ है तो ये क्या होगा, प्रोपियोनाइल क्लोराइड। ठीक है, और IUPAC सिस्टम में इनको कैसे जो है वो नेम किया जाता है कि जो यानी कितनी कार्बन्स है, पेरेंट नेम जो है वो अल्केन से लिया जाएगा और अल्केन का ई हटा के क्या लगा देंगे, OYL लगा देंगे और साथ में रेस्पेक्टिव क्लोराइड लगा देंगे। जैसे ये यहाँ पे 2 कार्बन्स हैं, इथेन होगी जो है वो, तो यानी इथेनोइक एसिड होगा। एथानोइक एसिड का जो है वो आप उसका जो है वो क्या लगा दे, एक IC एक YL लगा दे और जो है वो साथ में क्लोराइड लगा दे, यानी एथानोइक IC हटा दे YL लगा दे, एथानोइल हो गया और साथ में एसिड को हटा के क्या लगा दे, क्लोराइड लगा दे। इसी तरह ये प्रोपेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्टर्स। एस्टर्स में क्या होता है, व्हेन दिस OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय OR ग्रुप देन रिजल्टिंग कंपाउंड इज नोन एज एस्टर। इसको जो है वो, इसके भी 2 सिस्टम है, इसको जो है वो कैसे करते हैं, जो है वो नेमिंग कैसे की जाती है, यानी फर्स्ट वर्ड जो है वो कम कहाँ से आता है, अल्काइल, ये जो अल्काइल है ये वाला, ये यहाँ से आएगा और दूसरा जो है वो एसिड से आएगा। एसिड का जो है वो IC एसिड का जो है वो हटा के आप उसकी जगह क्या लगा देंगे, ATE लगा देंगे। जैसे ये है फॉर्मिक एसिड से ही ड्राइव किया हुआ है, इसका जो है अल्काइल का नेम देंगे, यहाँ पे जो भी OH एच को जिससे रिप्लेस किया गया है उसका नाम देंगे मिथाइल। ठीक है, और फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक IC एसिड हटा के उसकी जगह जो है वो क्या लगा दे, ATE लगा दे, फॉर्मेट बन जाएगा मिथाइल फॉर्मेट। इसी तरह ये इथाइल जो है वो एसीटेट, इथाइल एसीटेट यानी कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड है। और जो है इसका नाम है उसमें IUPAC सिस्टम में वो क्या है, फॉर्मिक एसिड का मेथानोइक एसिड, वहां पे भी OIC हटा के जो है वो हम क्या लगा देंगे, जो है वो IEC हटा के 8 लगा देंगे। ठीक है, और एसिड को हटा देंगे और जो है वो यहाँ पे क्या होगा, IUPAC सिस्टम में दिस इज मिथाइल, यानी उसको वैसे ही मिथाइल एंड मेथानोएट, मेथानोएट और इथाइल जो है वो एथानोएट। ठीक है, एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं, जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, 2 कार्बोनाइल ग्रुप ऑक्सीजन से लिंक्ड होते हैं उनको एनहाइड्राइड्स बोलते हैं। एनहाइड्राइड्स में क्या होता है,
इफ जो है वो दिस ओ एच इज रिप्लेस बाई ओ सी ओ आर देन द रिजल्टिंग कंपाउंड इज नोन एज एनहाइड्राइड। इनकी नेमिंग जो है वो कैसे की जाती है, इनका भी जो है वो आई सी एसिड जो है वो हटा के क्या लगा देते हैं वहाँ पे एनहाइड्राइड जो है वो लगाते हैं, एसिड यानी सिर्फ एसिड यहाँ पे हटाना है। और यानी पेरेंट नेम हुई इनसे लिया, पेरेंट नेम कहाँ से लिया जाएगा, एसिड से लिया जाएगा और एन पे क्या लगा दिया जाएगा एनहाइड्राइड एसिड को हटा के। ठीक है, जैसे ये है एक्चुअली ये क्या था ओ एच से मतलब एसिटिक एसिड, एसिटिक ही रहने दे, एसिड की जगह एनहाइड्राइड लगा दे एसिटिक एनहाइड्राइड। और जो आयुपैक सिस्टम में जो है वो क्या है, दिस इज एथानोइक एसिड सो एथानोइक ही रहेगा लेकिन एसिड की जगह जो है वो क्या लगा देंगे दोनों में, लेकिन उसमें क्या है कॉमन नेम्स हैं और उसमें जो है वो ऑन द बेसिस पेरेंट नेम अल्केन से लिया गया है एथानोइक एसिड। यहाँ पे जो है वो क्या है, यहाँ पे जो है वो तीन कार्बन्स हैं यानी मेन एसिड में, ये ओ एच अगर होता तो तीन कार्बन, दो ये और तीन ये, तो ये प्रोपोनोइक एसिड था तो ये प्रोपोनोइक एनहाइड्राइड होगा और आयुपैक में प्रोपोनोइक एनहाइड्राइड होगा। इसी तरह ये एरोमेटिक में है, दिस इज जो है फॉर बेंजोइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट है अमाइड्स, अमाइड्स में क्या होता है ओ एच, अगर ओ एच को एन एच टू से रिप्लेस कर दें तो जो है वो क्या बन जाते हैं अमाइड्स बन जाते हैं। इनकी नेमिंग कैसे की जाती है, आई सी एस सी एक एसिड हटा के जो है वो क्या लगा दिया जाता है उसकी जगह अमाइड लगा दिया जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ जो है वो कॉमन नेम्स यानी आई सी है एसी एक एसिड हटा के क्या लगा दिया जाता है अमाइड लगा दिया जाता है। और इन केस ऑफ आयुपैक नेम में है ओ आई सी एक ओइक एसिड हटा के उसकी जगह अमाइड लगा दिया जाता है। जैसे ये है फॉर्मिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड से ड्राइव किया हुआ है तो ये फॉर्माइड होगा, फॉर्मामाइड होगा, फॉर्म यानी फॉर्म ये होगा यानी ये फॉर्मिक फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड है ठीक है। तो जो फॉर्मिक आई सी जो है वो हटा के इसकी जगह क्या लगा देंगे ये जो है वो और एसिड भी हटा दें इसके ज्यादा फॉर्मा यहाँ पे अमाइड ठीक है जो है वो, और ये मिथेन मिथन अमाइड जो है वो इथेन अमाइड इन आयुपैक सिस्टम में, और उसमें जो है वो एस्टामाइड जो है वो कहलाएगा। नेक्स्ट है जी है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो फिर हम जो है वो क्या करते हैं वहाँ पे कौन सा कंसीडर करते हैं उसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर है। देखें यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर में, प्रायोरिटी में जो पहले लीड करेगा वो क्या होगा उसकी वजह से पेरेंट नेम आएगा यानी उसको फर्स्ट नंबर पे कंसीडर करेंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सबसे पहले है यानी जहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा उसको वन यानी नंबरिंग करेंगे। सल्फोनिक एसिड आएगा तो उसको जो है वो यानी टॉप पे करेंगे। अगर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक ग्रुप जो है वो दोनों सेम आ जाते हैं तो फर्स्ट पोजिशन कार्बोक्सिलिक को असाइन करेंगे और सेकेंड जो है वो सल्फोनिक एसिड को। इसी तरह एस्टर थर्ड नंबर पे है, एसिड हैलाइड फोर्थ पे है, अमाइड फिफ्थ पे है, नाइट्राइल है, एल्डिहाइडिक है, कीटोन है। एल्डिहाइड पहले है, कीटोन बाद में है, फिर हाइड्रोक्सल है, फिर अमाइन्स है, फिर जो है वो ईथर्स है, फिर डबल और ट्रिपल जो है वो बॉन्ड है। हाँ जी जो है वो इसके रूल्स क्या हैं, यानी पहले तो सबसे पहले आपने ये देखना है प्रायोरिटी ऑर्डर से आपने जो मेन फंक्शन ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है वो आपने डिसाइड करना है कि कौन सा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा। जब आपको ये पता चल गया कि फंक्शन ग्रुप कौन सा प्रिंसिपल होगा तो आपने उस लिहाज से यानी आपने वो कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो ठीक है जो है वो यानी। और नंबरिंग कहाँ से करनी है, उधर से ही उसी कार्बन से, जैसे यहाँ पे ओ एच और सी डब्लू ओ एच है दो ग्रुप है फंक्शन ग्रुप, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर में ये पहले फॉल करता है और ये दूसरे नंबर पे फॉल करता है। डेफिनेटली आप जो है वो क्या करेंगी यहाँ से 1 2 3 3 4 5 ठीक है, दिस विल बी एज अ सब्स्टिट्यूएंट हियर सो इट विल बी 4-हाइड्रोक्सी ठीक है। पहले जो है वो ये आएगा 4-हाइड्रोक्सी 2-मिथाइल एंड दिस इज जो है वो पेंटानोइक एसिड।
नेक्स्ट जो है वो यही है, इसका नेम है, फिर आपने जो है वो यानी पेरेंट नेम जो है वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के लिहाज से आएगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें जो है वो यानी उसमें मेन चेन जो है वो पेरेंट नेम प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के साथ ऐड होगा, ठीक है। और जो है वो जब क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो सयानो या मिथाइल है या और है नेचुरल, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर होंगे। अगर ट्रिपल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आ जाता है तो उसको इन और आइन से इंडिकेट, ये हमने पहले कर लिया था जो है वो हाँ ठीक है। और जो है वो अगर जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से कोई पहले आ जाता है तो डबल बॉन्ड को, अगर सब दोनों की पोजीशन सेम है तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, अदरवाइज जो है वो जिसकी जो पहले करीब होगा उसको जो है वो नेमिंग यानी उसको नंबरिंग जो करीब होगा उससे नंबरिंग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कंपाउंड, इसमें जो है वो ये फंक्शन ग्रुप्स हैं। अब मेन चेन में कोई भी नहीं है कंसीडर होंगे, मेन चेन में कोई, क्योंकि ये सारे एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर होते हैं। मेन चेन जो है वो बस यही होगी जिसका नाम जो है वो अल्केन से लिया जाएगा। वन टू जो है वो, अब देखिए यहाँ से भी कर सकते थे 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या है 2 3, यानी मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो लोअर पोजिशन पे आ रहे हैं। अगर इधर से कहते हैं 2 3 4 5, 3 2 4 5 बन रही है पोजीशन, ये यहाँ कर रहे हैं 2 3 एंड 5 बन रही है, इसलिए आप इधर से यहाँ से मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट पोजीशन दी जा सकती हो, आप नंबरिंग उधर से करेंगे, ठीक है। अब जो है वो अल्फाबेटिकली इनको लिखेंगे जो है वो थ्री ब्रोमो 2 क्लोरो एंड 5 नाइट्रो क्या है, हेक्सेन है, ठीक है। अगर जो है वो फॉर एग्जाम्पल कार्बोनाइल कीटो और एल्डिहाइडिक ग्रुप दोनों सेम कंपाउंड में आ जाते हैं जैसे कि यहाँ पे है, तो आपने जो है वो क्या करना है, जो मेन है वो एल्डिहाइडिक के प्रिंसिपल वो होगा और वहीं से नंबरिंग, ये नहीं मेन मेन चेन आपने सेलेक्ट कर ली 1 2 3 4, 3 ऑक्सो, फिर आप उसको क्या कहेंगे ऑक्सो कीटोन, दोनों नहीं कहेंगे 3 ऑक्सो कहेंगे, 3 ऑक्सो पेंटानल, ठीक है। जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जो ये है जो है वो इसमें OH और OCH3 है, और जो OH है वो प्रायोरिटी ऑर्डर पे है पहले और ये बाद में है, इसलिए एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर होगा। और कौन सा है, ये अल्कोक्सी ग्रुप है और मिथॉक्सी है यानी मिथाइल ग्रुप है। अल्कोक्सी का मतलब क्या है, यानी ओ आर, जनरली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओ आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ओ आर इज रिप्लेस बाय CH3, सो इट विल बी मिथॉक्सी जो है वो 2 मिथॉक्सी ब्यूटानॉल होगा, ठीक है। इसी तरह जो है वो ये है कीटो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, देन डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आप प्रेफरेंस देंगे और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट यानी जो है वो पहले इसमें सब्स्टिट्यूएंट को नेम देंगे फिर उसको देंगे, ठीक है। जो है वो यहाँ पे भी जो यहाँ पे देंगे एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड यहाँ पे क्या है जो है वो यानी जो मिथॉक्सी ग्रुप है यानी मिथॉक्सी है, और यहाँ पे एसिड क्लोराइड को प्रेफरेंस देंगे, जो एसिड वाले हैं उनको प्रेफरेंस देते हैं, और यहाँ पे जो है वो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट यानी 3 मिथॉक्सी पेंटानोइल क्लोराइड, ओ पेंटानोइल क्लोराइड। नेक्स्ट है ये वाली जो है वो देखें एग्जाम्पल, इसमें क्या है जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, डबल बॉन्ड भी है सियानो, सियानो एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर होता है। आपने डबल बॉन्ड को नहीं अब देखना, आपने जो है वो इसको देखना है 1 2 3 4 5 6 7। अब जो मेन मेन है जो है वो यहाँ पे क्या आएगा जो है वो, इसको आप ऐसे भी जो है वो लिख सकती हैं, यानी इसको मैं नेम देने लगी हूँ 6 सियानो 3 ऑक्सो एंड 4 इन, 4 इन भी मेंशन कर सकते हैं, और यानी जो है वो 4 इन एंड दिस विल बी हेप्टानॉल, ठीक है। तो यहाँ पे हेप्टिनॉल भी लिख सकते हैं, यानी हेप्टीन से इसका नेम, बेसिक नेम अल्कीन से ड्राइव किया जाएगा, यानी अल्कीन है हेप्टीन है, उसका एन ई हटा के क्या लगा देंगे, ए एल लगा देंगे, ई हटा के ए एल जो है वो लगा देंगे, ठीक है। जो है वो नेक्स्ट है हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिन कंपाउंड्स में
वो रिंग में हेट्रो एटम्स होते हैं, कहीं कार्बन के अलावा कोई और एटम होता है जो रिंग के अंदर शामिल होता है, रिंग के अंदर शामिल होता है, नॉट रिंग के बाहर जो है वो नहीं, रिंग के अंदर शामिल होता है, उनको क्या कहा जाता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। इनकी नेमिंग भी जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग की तरह है, स्पेशल नेम जो है वो इनका जो है वो क्या है रूल के जो है वो अगर फॉर एग्जांपल एक सिंगल यानी ये मोनो भी हो सकते हैं हेट्रो और यानी पोली भी हो सकते हैं, अगर कोई सिंगल हेट्रो एटम है तो उसको वन पोजीशन असाइन करेंगे और सब्स्टिट्यूएंट को वैसे ही नॉर्मली नंबरिंग जो है वो की जाती है। अगर दो या दो से ज़्यादा हेट्रो एटम्स हैं तो फिर जो है वो क्या करते हैं सब्स्टिट्यूएंट यानी सब्स्टिट्यूएंट को भी लीस्ट नंबर जो है वो देते हैं, ठीक है जो है वो, और यानी अगर पोजिशन ऑफ यहाँ पे हाइड्रोजन भी मेंशन की जाती है, 1, 2, 3 हाइड्रोजन भी मेंशन की जाती है। अब जो है वो ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल अगर कहीं है हेट्रो एटम तो उसका क्या होगा ऑक्सा, यानी ऑक्सीजन अगर रिंग के अंदर इंक्लूडेड है तो उसका नाम क्या होगा ऑक्सा होगा, नाइट्रोजन है तो एजा, सल्फर है तो थायो जो है वो थाया, फास्फोरस है तो फास्फा, सिलिकॉन है तो सिला जो है, ठीक है, और जो सैचुरेटेड है यानी उनका जो रूट नेम है वो अगर सैचुरेटेड है यानी रिंग में कोई डबल 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 बॉन्ड नहीं है तो उसका नाम जो है वो अगर 3 कार्बन वो है, 3 टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं रिंग के अंदर, 3 कॉर्नर्ड स्ट्रक्चर है, 3 कॉर्नर्ड ज्योमेट्रिकल फिगर है तो उसका नाम क्या होगा इरेन, और अगर अनसैचुरेटेड है तो इराइन जो है वो, 4 में इटेन और इट और ओलेन जो है वो ओल, 6 में जो है वो एक्जेन एक्जाइन इपेन ओपाइन ओकेन ओकाइन। अब जो है वो देखें यहाँ पे ये जनरल सा रूल था, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन है और अनसेचुरेटेड है, कितने मेंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये जो है वो क्या बनेगा ओक्स, ओक्स यहाँ से ओक्स ऑक्सीजन की वजह से और ओ Li5 की वजह से, क्योंकि अनसेचुरेटेड है, ये देखें ये अनसेचुरेटेड है, इस वजह से जो है वो क्या होगा, इसका नाम ऑक्सोल और कॉमन नेम क्या है इसका फ्यूरेन, ये IUPAC में है, IUPAC में इसका नाम ऑक्सेल है और फ्यूरेन जो है वो कॉमन नेम है। इसी तरह सल्फर है, कितने मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड है, सल्फर वाले को थाया एंड 5 मेंबर्ड ओल चूंकि अनसेचुरेटेड है थायोल जो है वो, और इसको वैसे थायोफिन जो है वो कहा जाता है, दिस इज जो है वो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है वो एज अ, ठीक है, और अनसेचुरेटेड है 5 है तो क्या होगा ओल एजोल जो है वो कहलाएगा, ये भी 5 मेंबर्ड है बट हियर इट इज सैचुरेटेड, यहाँ डबल बॉन्ड्स नहीं है, तो ये ऑक्स ये है क्या ऑक्स और ऑक्सीरेन ये सॉरी जो है वो ये 5 मेंबर्ड है ये, तो ये क्या होगा ऑक्सोलेन जो है वो होगा, ऑक्सोलेन जो है वो होगा, ये देखिए ये 5 मेंबर्ड है नाइट्रोजन वाला है एजा और 5 मेंबर्ड है तो ऑक्सो ये ऑक्सोलेन जो है वो होगा, इसका क्या होगा एजो या पायरोलिडीन, इसका कॉमन टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है, ये इथिलीन एपॉक्साइड इथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन, ये जो है अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 1, 2, 3 जो है वो 1, 3 इमिडाजोल जो है वो क्या होगा इमिडाजोल होगा, अगर 2 है यहाँ पे जो है वो इमिडाजोल जो है वो ये कॉमन नेम है और 1, 3 डायाजोल, डाई का मतलब है 2 और वैसे का इसका नाम एजा नाइट्रोजन 5 मेंबर्ड है तो ओल, ठीक है, जो अनसैचुरेटेड है उसकी वजह से डायाजोल, यहाँ पे जो है वो 2 सल्फर और नाइट्रोजन है इसका नाम दोनों की वजह से आएगा 1, 3 जो है वो, अब देखिए 1, 3 थाया जो है वो सल्फर की वजह से और एज इसकी वजह से अनसैचुरेटेड है तो ओल थायाजोल। नेक्स्ट है ये देखिए इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है ये क्या होगा ऑक्स, ऑक्सीजन की वजह से एज अनसैचुरेटेड है ओल और कितने मेंबर है 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर है 1, 2 डाई ऑक्साजोल,
ठीक है, ये पिरिडीन है, ये पिप्रिडीन है, ये जो है वो डाई ऑक्सो है, 1,4-डाइऑक्सेन है, ठीक है, जो है वो ये पायराजीन है, प्रिमिडीन है, पायरान है, ये जो है वो क्विनोलिन है, इसी तरह ये आइसोक्विनोलिन है, ये एक्रिडीन, ये नहीं, हम देखे ये लग रहा है कि एंथ्रोसीन है, ये क्या है, एंथ्रोसीन जो है वो है, लेकिन अब इसमें देखें डबल बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज है, ये एक्रिडीन है, यहाँ पे जो है वो दिस इज इंडोल है, दिस इज जो है वो 2-मिथाइल, ये 1 और ये 2, 2-मिथाइल क्या है, थायोल है, 2-मिथाइल थायोफीन है, ये 3-मिथाइल पिरिडीन है, ये 3-मिथाइल एजीन है, क्योंकि 6-मेंबर रिंग है ये जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 2,5-डाइमिथाइल फ्यूरान है, या 2-मिथाइल 2,5-डाइमिथाइल आयूपैक में इसका नाम होगा ऑक्सोन, ये जो है वो फर्फरल का स्ट्रक्चर है, दिस इज जो है वो आइसोनिकोटेनिक एसिड, कैमाब्यूटराइल एसीटोन, ये दिस इज 2-बेंजाइल थायोफिन एंड 3-फ्यूरान सल्फोनिक एसिड, एंड अब यहाँ पे देखें ये वाला जो है वो यहाँ पे 3-हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या है इसका जो है वो नंबरिंग, यानी 1, 2, 3 जो है वो 1, 2, 3 जो है 1, 2, 3 यहाँ पे मेन 1, 2, 3, 4 ठीक है, 1, 2, 3, 4 मेन ये जो है वो 3, इसको हाइड्रोजन, यहाँ पे 3-हाइड्रोजन का मतलब है यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, 3-हाइड्रोजन 1, 2, 4 ट्राई एजोन,